जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूँ, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल ये है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरा देश बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की जमीन की रक्षा करते हैं। जहां -20, -25, -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिकों को 10-15 दिन पोस्ट तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं, भूखे रह जाते हैं, वापस नहीं आते। उन्होंने आजादी के दिन के बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है, सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया, सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए, आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान